स्पेसिफिकली ऑल्ट अगर आप प्रेस करते हैं तो और जो सारी शॉर्टकट कीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ऑल्ट के बारे में जानना है। सबसे पहला फंक्शन आपको ऑल्ट प्रेस करना है किसी भी शॉर्टकट को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद ऑल्ट के साथ अगर आप टैब प्रेस करेंगे, ऑल्ट एंड टैब, तो आप जो भी ओपन वर्क है आप एक साथ उसको देख सकते हैं और स्विच कर सकते हैं। ठीक है, स्विच करने के लिए टैब्स के बीच में ऑल्ट टैब यूज़ करना है। ऑल्ट के साथ अगर आप F1 प्रेस करेंगे, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर्सर रख के ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर देता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए जो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो चार्ट है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चार्ट क्रिएट करने के लिए ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ अगर F2 प्रेस करेंगे तो क्या होता है, ये देखिए ये आप वर्कबुक को सेव करने के लिए, सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आप ऑल्ट के साथ F2 प्रेस कर सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट है, और ऑल्ट F4 से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं जो भी आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए डायलॉग बॉक्स, आप इसको चाहे तो अभी सेव कर सकते हैं, ठीक है, और डोंट सेव कर सकते हैं।